नेक्स्ट है बच्चों बर्थ रिडक्शन क्या है बर्च रिडक्शन बर्च रिडक्शन जो है इसके लिए काम में लेते हैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया ठीक है इसको बर्च रिएजेंट भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बर्च रियजेंट भी कहा जाता है क्या करते हैं इससे जो हम अल्काइन लेते हैं इसकी रिएक्शन को कराते हैं बर्श रिएजेंट से ठीक है तो जो प्रोडक्ट यहां पर बनता है वो क्या बनता है ट्रांस अल्कीन बनता है क्या बनता है ट्रांस अल्कीन बनता है तो अगर हमें सीस बनाना है तो क्या काम में लेते हैं क्या लेते हैं रोजनमंड और अगर हमें ट्रांस अल्कि बनाना तो क्या काम में लेते हैं बर्च ठीक है कभी कभी सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लेते हैं कभी कभी लिथियम लिक्विड अमोनिया भी ले सकते हैं ठीक है इसकी रिएक्शन कैसे होती एक बार हम देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे ठीक है मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कम से कम समझ में तो आए कि बना कैसे ट्रांस पहली चीज क्या काम में लेते हैं हम सोडियम क्या होता है इससे ऑक्सीडेशन क्या बन जाता है इलेक्ट्रॉन्स ठीक है ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो कोई ना कोई रिड्यूस जरूर होगा कोई ना कोई रिड्यूस जरूर तो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है कौन हल्काइन तो इन इलेक्ट्रॉन्स को करता है गेन ये बॉन्ड टूटता है और यहां पर आ जाता है फ्री रेडिकल और यहां पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से एनायन बन जाता है ठीक है अगर यह क्लीवेज होता तो एक ही इलेक्ट्रॉन मिलता एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो यहां क्या बनेगा लोन पेयर यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं आयन रेडिकल क्या कहते हैं आयन रेडिकल क्यों क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है कार्बन पर क्या आ जाएगा फॉर्मल माइनस चार्ज और यहां पर फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में क्या करते हैं रिपेल करते हैं तो ये ज्योमेट्री कुछ ऐसी चली जाती है जिससे कि इनका रिपल्शन कम हो जाए रिपल्शन कम कब होगा जब दोनों ओपोजिट डायरेक्शन में चले जाए क्लियर अब क्या होगा अब ये बन चुका एक तरीके से ग्रीनार्ड रिएजेंट जानते हो ना कार बनाए तो ग्रीगनार्ड का क्या होता है H प्लस गेन करता है सबसे पहली रिएक्शन की कौन सी होती है एसिड बेस ठीक है दूसरी बात और एक इलेक्ट्रॉन है हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा होना चाहिए उसका पर्पज है लिक्विड अमोनिया का ठीक है लिक्विड अमोनिया क्या करता है दोनों तरफ एच एच प्रोवाइड करता है और इससे क्या बन जाता है दोनों तरफ हाइड्रोजन के आने से ट्रांस अल्कीन बन जाता है ठीक है क्या बन जाता है दो मोल अमोनिया और यहां पर भी आ जाता है एच यहां पर भी आ जाता है एच और बन जाता है ये टू मोल एन एच थ्री माइनस बाहर हो जाते हैं ठीक है तो ट्रांस अगर बनाना है तो क्या लेते हैं सोडियम लिक्विड कई बार क्वेश्चन आए हैं जय एडवांस में जी मेंस में ठीक है आप लोग देखोगे भी बड़े जो पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन आते हैं कंपाउंड तो मॉलिकॉर्मूला क्या यह सरफेस फिनोमिन है यह तो लिक्विड में होता है इसलिए सरफेस फिनोमिन नहीं है क्या यह सीन एडिशन है नहीं है, क्या है एंटी एडिशन है ठीक है करो और ये रिएक्शन भी बच्चों अल्किन स्टेज पर रुक जाती है ठीक है अल्किन के बाद फिर आगे इसमें रिडक्शन होता नहीं है ठीक है उसका रीजन ये है कि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आ रहा है और अल्किन के केस में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर आएगा तो यहां कंपेरेटिवली नेगेटिव चार्ज स्टेबल है इंटरमीडिएट स्टेबल ये समझ में आया परसेंटेज इस कैरेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा कार्बन आयन की स्टेबिलिटी घट जाती है कि बढ़ जाती है परसेंटेजेस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जब आप के लिए रिएक्शन कराओगे तो परसेंटेजेस कम हो जाएगा और माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इंटरमीडिएट लेस स्टेबल हो जाएंगे तो रिएक्शन आगे होने वाली नहीं है ठीक है हटा दूं, मिटा दूं, कर लिया कॉपी एक और बर्ड है इसको बाद फिर शीट डिस्कस करते हैं ठीक है मैंने सोचा

लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है दोनों डबल बॉन्ड दूर दूर चले जाते हैं दोनों डबल बॉन्ड दूर, दूर दूर चले जाते हैं आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं बनते अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया लेते हैं तो दोनों डबल बॉन्ड दूर, दूर दूर बनते हैं आपस में कॉन्जुगेशन शो नहीं करते ठीक है ऐसा क्यों होता है देखो सबसे पहली बात ये रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना है ठीक है इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन है इस पर जो बन सकते हैं इसका ओजोनलिस फिर जो कंपाउंड बना उस पे या उसका एल्डोल कंडेंसेशन जो हमें आगे पढ़ना है तो ये कनेक्टिंग रिएक्शन है हमारे तो थोड़ा पता होता है तो चीजें याद आ जाती है ये तो वही है ऑक्सीडेशन इसमें कोई डाउट फिर क्या होगा सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कौन आईबोन अनसे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कुछ इस तरीके से इस पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला एक इसको मिला क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो यहां क्या आ जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज माइनस और इस इंटरमीडिएट को भी हम क्या कहते हैं आयन रेडिकल क्या कहते हैं आयन रेडिकल इज इज क्लियर अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे रिपेल और रिपेल करेंगे तो कुछ इस तरीके का

क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास एज गेन करके और क्या बना लेगा साइक्लो हेक्सा वन थ्री डायन क्या बना लेगा साइक्लो हेक्सा वन थ्री डायन बना लेगा ठीक है इसीलिए दूर दूर बनते हैं इसलिए दूर दूर, दूर बनते हैं ठीक है करो जरा कॉपी करो यस yes. टिकली तो देखो आयंस फिर भी वही होगा अगर हेट्रोलिटिकली टूटते हैं तो जहां कार्बोगेटाइन बनेगा मान लो कि ऐसा होता होगा कि अगर यहां पे आपने क्लीवेज करा दिया तो एक आ जाएगा एक लोन पेयर आ जाएगा तो अब इस पर ज्यादा इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की जाने की क्योंकि कार्बोकेटाइन है बात तो फिर वही आ जाएगी इज इज क्लियर तो जो प्रोपोज मैकेनिज्म है वो ये है भाई हम समझा सकते हैं मैकेनिज्म से ऐसा क्यों बना बस लेकिन बाकी चीजें हमें फ्लो में जब एग्जाम में जरूरत पड़े क्वेश्चन सॉल्विंग जरूरत पड़े तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए लेकिन मैं हर दिन थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ाऊंगा तो रिवाइज करके कर सकते हो आप ठीक है एक साथ पढ़ाने में फिर बाद में भूल जाओगे ठीक है तो एक दो पॉइंट और है ये करते हैं इसमें मैं आपको दो तीन क्वेश्चन देता हूं वो करना खुद से ताकि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो याद भी हो जाए ठीक है मतलब मेमोराइज भी हो जाए आगे बढ़े तो ये हुई बात किसकी दिस इज द बर्थ रिडक्शन ऑफ बेंजीन क्या है ये बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन बेंजीन का बर्च रिडक्शन है ठीक है बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन ठीक है आगे बढ़े ओके बच्चों अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया जेई मेंस में उसको मैं थोड़ा समझा देता हूं पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया से क्यू कोई ग्रुप मैंने यहां लगा दिया क्यू अब क्यू कुछ भी हो सकता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल एल्डिहाइड नाइट्रो, ठीक है, अल्कोहल इथर कुछ भी हो सकता है तो जब इसकी रिएक्शन को कराया किससे सोडियम और लिक्विड अमोनिया से तो दो टाइप के प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं एक प्रोडक्ट तो यह मिल सकता है दोनों डबल बॉन्ड दूर दूर ठीक है क्यू से भी दूर पाई बॉन्ड और दूसरा प्रोडक्ट ये मिल सकता है दूसरा प्रोडक्ट ये मिल सकता है क्यू के पास डबल बॉन्ड रहेंगे तो आपस में नॉन कॉन्जुकेटेड लेकिन यहां पर क्या है क्यू के पास है और यहां पर क्या है क्यू से दूर है यह तो समझ में आ गया सबको जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको मैं समझा देता हूं अगर क्यू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्यू क्या है इलेक्ट्रॉन पहले अपन विड्रॉइंग देखते हैं Q क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग बोले तो माइनस एच इलेक्ट्रॉन को विद्रॉ करता है तो यह वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा यह इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा समझ में आया क्यों क्योंकि यह विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन कार्गन एम की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और अगर यह इंटरमीडिएट बनेगा तो यह प्रोडक्ट बनेगा इसमें कोई डाउट तो अगर क्यू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये आंसर आना चाहिए बस इतना सा याद रखने से काम हो जाएगा आपको ये जेई मेन में आए हैं क्वेश्चन ठीक है आपकी शीट में भी है आपको मिलेंगे ठीक है अल्कोहल इधर की शीट में भी मिलेंगे और रिडक्शन ऑक्सीडेशन की शीट में भी मिलेंगे मान लो कि यहां पर मैंने क्यू की जगह क्या लगाया सीसीएल थ्री डोनेटिंग या विड ड्रॉइंग विद्रॉइंग जब हमने सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा ये आंसर आएगा चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको खुद पिक करना है आंसर विल बी दिस जैसे हमने रिएक्शन कराई यहां NO2 टू लिया NO2 टू क्या है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा दोनों डबल बॉन्ड दूर दूर बनेंगे दोनों डबल बॉन्ड दूर दूर बनेंगे तो ठीक है तो ये वाला प्रोडक्ट इसमें बनेगा लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा इसी तरीके से याद रखना तो ये वाला जो कार्बन आयन है ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मोर स्टेबल है लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बनाइन की तो वाट लग जाएगी तो ये वाला क्या होगा लेस स्टेबल ये वाला क्या होगा लेस स्टेबल होगा ठीक है तो जो कार्बनाइन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कुछ जो कार्बन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा दूर बनेगा ठीक है तो जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लेंगे मान लो सीएस थ्री लिया अब सी एस थ्री इज ए प्लस एच ग्रुप ओए लिया प्लस एम ग्रुप एनएच टू प्लस एम ग्रुप और हमने रिएक्शन कराई किसकी सोडियम और लिक्विड अमोनिया की तो आंसर क्या आएगा बोलो आंसर ये आएगा इज इज क्लियर आ गया समझ में बच्चों एक बात और बता दूं बहुत ज्यादा डिटेल में सोचने से भी एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है तो अपन बहुत सिंपल रखें चीजों को विद्रॉइंग ग्रुप है तो सामने है। और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो ये लेस टेबल अगर ये लेस टेबल तो ऑटोमेटिकली दूसरा बना लोगे आप समझ में आया तो ये वाला कब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा और ये कब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ठीक है करो कॉपी तो चो कर लिया ये तो बस ये आज के लिए इतना इतना दवाई काफी है इतना पढ़ना आप लोग और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आज पढ़ा है उससे रिलेटेड ठीक है जो अब तक पढ़ा उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं हटा दो इसको विड्रॉइंग ग्रुप है तो दूर भागेगा डोनेटिंग ग्रुप है तो पास में आएगा ठीक है